इस चुनावी माहौल में भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है। अब सामने आ रहे हैं अटेली विधानसभा से एक और युवा समाजसेवी, जो कि पिछले काफी समय से समाज सेवा में व्यस्त हैं और राव इंद्रजीत के बेहद करीब माने जाते हैं। कॉलेज के समय से ही एबीवीपी जैसे संगठनों से जुड़े रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राव योगेश आर्य की, आज होंगे स्टेट न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव में। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हमारे साथ स्टेट न्यूज़ हरियाणा एक्सक्लूसिव में जो हस्ती मौजूद है वो है राव योगेश आर्य, जो कि अटेली विधानसभा से अब की बार अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये राव इंद्रजीत के करीबी हैं, साथ साथ ये एक समाज सेवी भी हैं। आइए इनसे हम आज एक्सक्लूसिव में कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें जानते हैं। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार। सर, आप राजनीति में आए हैं अब की बार और हमने पीछे काफ़ी समय से देखा है कि आप समाज सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं और काफ़ी समय से लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? सर, मेरा उद्देश्य यही है कि समाज में जब हम पैदा हुए हैं तो समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से हम समाज के ऋणी हैं, तो इस समाज को मैं थोड़ा बहुत भी अपना लौटा पाऊँ। आज मैं जिस भी सामर्थ्य के अनुसार, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं उनके लिए उनकी मदद कर सकूँ। आपने अभी कहा कि लोगों की मदद कर सकूँ, लेकिन राजनीति, राजनीति में आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? राजनीति तो एक माध्यम है सेवा का। मैं इसमें सत्ता के लिए और राज करने के लिए राजनीति में नहीं आना चाह रहे। और राजनीति में तो पता नहीं, बहुत से लोग आते हैं और वो कामयाब हो भी पाते हैं, नहीं भी हो पाते, लेकिन यहाँ मैं सेवा की भावना से आ रहा हूँ। लोगों के साथ अगर लोग मुझे स्वीकार करेंगे, मैं सच्चे मन से सेवा करूँगा, तो मैं राजनीति में सक्सेस हो जाऊँगा। और राजनीति एक अच्छा माध्यम है कि जिसके थ्रू हम लोगों के कामों को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए मैंने राजनीति में आने का विचार बनाया। अटेली विधानसभा, जहाँ बहुत से नेता, क्योंकि अब की बार अगर हम बात करें बीजेपी की, तो दक्षिणी हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बीजेपी की पूरी लहर है, और अगर आप किसी भी विधानसभा में जाके देखेंगे तो उसमें लगता है कि लगभग 10 से 12 लोग बीजेपी के लिए टिकट की आस में बैठे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ अटेली विधानसभा से आपको टिकट मिल सकती है? देखो, टिकट का लोकतंत्र है देश, और लोकतंत्र देश में मैं मेरा अधिकार समझता हूँ टिकट के लिए मांगना। मैंने, मेरा क्षेत्र अटेले है, मेरा गांव अटेली में पड़ता है, इसलिए मैं किसी दूसरे क्षेत्र में जाने के बजाय अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने एरिया में काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अटेली से मन बनाया। दूसरे फिर मेरे यहाँ सब साथी जिनके लिए मैं काम कर सकता हूँ, यही एक कारण है कि जिसलिए मैंने अटेली को चुना है। राव इंद्रजीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, राव इंद्रजीत सिंह पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और राव साहब बहुत ही स्पष्ट वक्ता और बहुत ही ईमानदार छवि के नेता हैं। मैं ही नहीं, पूरे हरियाणा के युवाओं की आज के दिन राव साहब पसंद हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी, जब कांग्रेस सत्ता के ऊपर थी, कांग्रेस देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय राव साहब ने कांग्रेस को छोड़ा था। इसका जो मुख्य कारण था वो हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ हुड्डा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से भेदभाव होने के कारण उन्होंने छोड़ा। तो मैं ये मानता हूँ कि राव साहब ने हमेशा पूरे हरियाणा के लोगों के लिए, 36 बिरादरी को लेके उनके विकास के लिए सोचा है। एक नारा होता था, राव आया भाव आया, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि राव इंद्रजीत जैसा कद्दावर नेता हरियाणा में कोई दूसरा नहीं है। वो 5 बार सांसद चुने गए हैं और वो यहाँ से 3 बार MLA चुने गए, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं। आज वो पहले नेता है प्रदेश में जिनको संसद में भेजा गया है 5वीं बार चुन के। इसलिए राव साहब का तो मैं खुद को तो उनका एक कार्यकर्ता समझता हूँ, और मैंने राव साहब का कार्यकर्ता बनने के लिए जो था, मेरा परिवार भी राव इंद्रजीत सिंह जी से भी 30 सालों से जुड़ा हुआ है। और आज जब मैं समझदार हुआ, 2011 10 11 की बात है, उस समय
एक विचार आया कि किस नेता के साथ जुड़ा जाए, जो मेरा मैंने उस युवा अवस्था में जो मेरी सोच थी एक युवा होने के नाते, उस समय मुझे राव इंद्रजीत सिंह जी से अच्छा विकल्प नहीं मिला। और आज सब युवा इस बात से सहमत हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार राव योगेश से कुछ और चर्चा करते हैं। जो यहाँ के और प्रतिनिधि हैं सरकार में जो हैं, उन लोगों का सहयोग में कोई ना कोई कमी रही है, जिस वजह से कि राव इंद्रजीत सिंह मनेठी के एम्स के मुद्दे के ऊपर पूरे प्रदेश को वो यूं लगता है कि केवल राव इंद्रजीत सिंह जी ऐसे हैं जो मनेठी में एम्स लाने के लिए प्रयास। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र RDS गर्ल्स कॉलेज के सामने कालका रोड रेवाड़ी। अगर आप अंग्रेजी दवाई खा खा कर थक चुके हैं तो आज ही संपर्क करें 9813743427। ब्रेक के बाद स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं। सर आप बताइए, क्योंकि आज के दिन अगर हम बात करें, बार बार ये चीज़ें कही जा रही हैं कि युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, तो आपके वो कौन से कदम होंगे जिनके लिए आप युवाओं को रोज़गार दे पाएँ? देखो ये सच्चाई है, आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो रोज़गार की समस्या है। और मेरा जो प्राथमिक मुद्दा है, मैं चाहे राजनीति में रहो ना रहो, मुझे टिकट मिले ना मिले, एक युवा होने के नाते मैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर युवाओं के लिए रोज़गार की जो आवाज़ है उसको हमेशा उठाता रहूँगा। और युवाओं को रोज़गार देने के लिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश के जो सरकारी सेक्टर में कुछ परसेंट नौकरियाँ हैं, हम कह सकते हैं 2-3% नौकरियां सरकारी सेक्टर में हैं, इसके लिए हमें खेती की जो कृषि की व्यवस्था है उसको सुधारना पड़ेगा कि जिन युवाओं के पास 3-4 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन है वो युवा भी खेती को अपना खुद का साधन बनाएं और उसी से अपना रोज़गार का, खेती में ज़रूरी नहीं कि वो जो एक ट्रेडिशनल खेती चलती आ रही है, इस खेती में हमें बहुत सारा सुधार करना पड़ेगा कि 1 एकड़ का जो युवा है वो 4-5 लाख रुपए सालाना इनकम कर सके। इसलिए अगर इस तरह की हम व्यवस्था कर देते हैं तो कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। और रही बात सरकारी सेक्टर की, तो सरकारी तंत्र के लिए तो हमारा जो क्षेत्र है बहुत ही मेहनती है, यहाँ के युवा पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत हैं। इस सरकार में जब ईमानदारी से नौकरी देने की बात आई तो हमने अपना हक अपने आप ले लिया, जो दूसरी सरकारों में भ्रष्टाचार के कारण हम अपना हक नहीं ले पाए थे। और तीसरी बात आती है कि प्राइवेट सेक्टर में मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों के लिए रोज़गार के लिए, खुद के साधन चलाने के लिए, लोगों को फैक्ट्री चलाने के लिए, लोगों को तरह तरह की सहायताएं दी जा रही हैं, उनको लोन मुहैया करवाया जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि इन सब चीज़ों में और भी हम, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं इन चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार में अपनी योजना, अपनी सुझाव देके उन चीज़ों को और अच्छे तरीके से हम अमल में लाने का प्रयास करेंगे। सर आपने अभी कुछ थोड़ा बहुत तो विज़न दिखा दिया है, लेकिन आपका संपूर्ण विज़न अगर हम कहें, क्योंकि राजनीति में आप आ रहे हैं, तो अगर आपको चांस मिलता है तो आपका विज़न क्या होगा कि कैसे आप इलाकों को आगे बढ़ाएंगे, और वो कौन सी चीज़ें आप देखते हैं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं और उनको आप आगे लाने की कोशिश करें? देखो मेरे क्षेत्र में हमेशा से भारी उम्मीदवार सत्ता में रहे हैं। बात करें पहले अनीता यादव, वो भी हवाई टिकट लेके हमारे क्षेत्र में आई और हम लोगों ने उसको जिताया। उसके बाद में बहन संतोष यादव, वो भी हमारे क्षेत्र की, गृह क्षेत्र की रहने वाली नहीं है। जो बाहर के क्षेत्र का व्यक्ति है वो हमारे घर की समस्या को कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर मैं अपने घर की, अपने गांव की, अपने पड़ोस की और अपने अटेली की समस्याओं को जितना मैं समझता हूं उतना कोई दूसरा नहीं समझ सकता। अगर हम बात करें महेंद्रगढ़, हमारा पड़ोसी जिला तो पूरा महेंद्रगढ़ है, लेकिन खुड़ाना में IMT की बात चल रही है। कहीं ना कहीं हमारे क्या कारण है कि हमारे वहाँ के जो हमारे ही शिक्षा मंत्री हैं वो क्या कारण है कि उस बात को अच्छे मजबूती से नहीं उठा पा रहे, CM के
हमारे मुख्यमंत्री महोदय के सामने वो उन चीज़ों को बहुत मजबूती से नहीं पेश कर पा रहे कि वो प्रोजेक्ट सिरे नहीं चल रहा। मनेठी में एम्स बनने की बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कारण ऐसा रहा है कि राव इंद्रजीत जी इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ के और प्रतिनिधि हैं सरकार में जो हैं उन लोगों का सहयोग में कोई ना कोई कमी रही है, जिस वजह से कि राव इंद्रजीत सिंह मनेठी के एम्स के मुद्दे के ऊपर पूरे प्रदेश को वो यूँ लगता है कि केवल राव इंद्रजीत सिंह जी ऐसे हैं जो मनेठी में एम्स लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी, अगर मैं शुरुआत करता हूँ, हर एक व्यक्ति अपने घर को सुधार के चले, मैं अपने घर को सुधारूँ, आप अपने घर को सुधारें, हर व्यक्ति अगर अपने घर को सुधारता है तो कहीं कोई कमी बच ही नहीं सकती। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे गाँव की बात करें, मेरे गाँव में एक पूरे एरिया में ये था कि सेलंग गांव जिसमें गलियों में पानी भरा रहता है वो सेलंग, आज मेरे गांव में सुधार तो हुआ है, पैसे तो मेरे गांव में कई करोड़ों पैसे आए हैं, लेकिन वो पैसे व्यवस्थित तरीके से नहीं लगने के कारण गांव की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। तो मेरा जो मैं अपने गाँव के लिए मैंने जो एक विजन बनाया है कि मेरे गाँव में वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, और मेरे ही गाँव में नहीं बहुत सारे गाँव में इस तरह का है जो पानी की, उस पानी को हम ट्रीटमेंट करके खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं। खेती में पानी की समस्या है, जो पानी हम ज़मीन से निकाल के दोहन करते हैं पीने का पानी का, वो पानी भी बचेगा और हमारी खेती भी बहुत ज़्यादा तरीके से उपजाऊ होगी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि मेरे गांव के आसपास, हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है, तो अगर मैं इसलिए मेरे गांव की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर से अपने परिवार से लेके चलता है, तो मेरा गांव मेरे लिए अपना परिवार है, उसके बाद में आसपास के लोग, पड़ोस के गांव और सब लोग परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम ज़्यादा लंबे से बड़ी बात करें तो मैं उन विचारों का आदमी हूँ कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारे लिए एक परिवार की तरह होते हैं। लेकिन जब शेरंग गाँव में कॉलेज, बहुत पहले कॉलेज बन जाना चाहिए था, उस समय यहाँ के हमारे प्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत, उन लोगों की कमी रही कि जब हमारे यहाँ कॉलेज की मांग थी उस समय इन लोगों ने सीनियर सेकेंडरी के लिए सोच थी इन लोगों की, और जब आज मेरे गांव में, जब मेरे गांव में आज कॉलेज बनना चाहिए तो मेरे गांव में सिर्फ एक ITI से बहला दिया गया। क्यों नहीं हमारा गाँव और हमारा ये क्षेत्र, आसपास के हमारे 15-20 गाँव जहाँ बहन बेटियों को ना तो यहाँ बस की कोई सुविधा है ना ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा है, उनको बहुत परेशान होकर अपनी शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर चले। अटेली के क्षेत्र में चिकित्सा का तो इतना भारी अभाव है, मेरे गांव में हॉस्पिटल होने के बावजूद केवल और केवल वो बिल्डिंगें हैं, और बिल्डिंग भी खंडर थी जो अब कहीं बनने की तैयार हो रही है लेकिन उसका शुभारम्भ नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारे प्रतिनिधि ढीले हैं, जिस वजह से काम महीनों महीनों तक पेंडिंग रहता है। और स्वास्थ्य में दूसरे आम किसानों की बात करें, मंडियों में सरसों मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा तरीका चलाया, बहुत अच्छी स्कीम चलाई, लेकिन उस हमारे यहाँ प्रतिनिधियों के कारण वो जो हमारी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की वजह से या हमारे प्रतिनिधि की वजह से, हमारे यहाँ के विधायक की वजह से वो चीज़ें अधर में लटकी नज़र आ रही है हमें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर वो चीज़ें एक युवा को अगर मौका मिलता है, मुझे ही नहीं, मेरे साथ अगर कोई भी अच्छा, मेरे से अच्छी सोच वाले किसी युवा को मौका मिलता है, तो उस युवा आज के दिन जो काम कर सकता है वो ये लोग नहीं कर सकते। सर, एक चीज़ अभी आपने कही कि यहाँ बाहरी जो कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ आते हैं, तो इस चीज़ को आप इस इलाके की खूबी मानते हैं या कमी मानते हैं? अगर आप इस चीज़ को इलाके की खूबी मानते हैं कि वो अगर इनको अपना लेते हैं तो ये खूबी है यहाँ की, अगर ये मानते हैं तो ये क्यों मानते हैं आप, और अगर ये कमी मानते हैं तो वो कैसे मानते हैं? देखो सर, हम और हमारा पूरा क्षेत्र ही बात करें, महेंद्रगढ़ की पूरे की ज़िले की बात कर लें या इस दक्षिण हरियाणा की बात कर लें, यहाँ बाहर का कोई भी आदमी आ जाता है तो उसको हम अपनी सर आँखों पर बैठाते हैं, हम उनके ऊपर बहुत जल्दी अपना भरोसा जता लेते हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि इन लोगों ने हमारे भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस की सरकार, इतने सालों साल तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी महेंद्रगढ़ पूरे हरियाणा में पिछड़ा हुआ ज़िला माना जाता है। यहाँ पे कोई भी अधिकारी आने से कतराता है, यहाँ पे कोई भी अच्छा डॉक्टर आने से कतराता है, जिसकी केवल और केवल एक वजह मैं ये मानता हूँ कि यहाँ हमारे प्रतिनिधि बहुत ही कमज़ोर और ढीले थे। दूसरी बात, हमारे को यहाँ से 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर नारनौल जाना पड़ता है छोटे से किसी काम के लिए। क्यों नहीं महेंद्रगढ़ में भी DC और SP सप्ताह में 2 या 3 दिन क्यों नहीं बैठ सकते? कनीना में भी आधी बार यहाँ पे ना तो DSP होते हैं
ना यहाँ पे SDM साहब होते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि ये नहीं कि वो ड्यूटी पे नहीं होते, उसका कारण ये है कि अगर किसी अधिकारी की यहाँ से बदली हो जाती है तो यहाँ महीनों तक अधिकारी नहीं आ पाते थे। इसका कारण ये था कि वो अधिकारी यहाँ आने से कतराते हैं। यहाँ पे हमारे ज़िले के प्रति एक धारणा है कि बहुत पिछड़ा हुआ है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ को, जो हरियाणा का सबसे पुराना ज़िला है, जब हरियाणा का गठन हुआ तो महेंद्रगढ़ भी उनमें एक ज़िला था 7 जिलों में, तो महेंद्रगढ़ अपना हक क्यों नहीं ले पाया है। ये एक हमारे अंदर हुकूक है, एक हमारे अंदर टीस है, जिस टीस को अब हम बाहरी किसी के बहकावे में नहीं आने वाले, हम अपने क्षेत्र से चुनेंगे। पूरे इलाके में, पूरे अटेली में अब एक ही नारा चलेगा, बाहरी भगाओ अटेली बचाओ। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे राव योगेश आर्य, जिनसे हमने बात की अभी एक्सक्लूसिव में, और इन्होंने जो भी अपने आगे का विज़न है वो भी अपने सामने रखा, और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो बाहरी लोग हैं वो इलाके की खूबी है कि वो बाहरी लोगों को आदर तो देते हैं, लेकिन बाहरी लोगों ने यहाँ के लिए कुछ करके नहीं दिखाया, इसलिए अब की बार जनता जो चुनेगी वो अपने इंसान को चुनेगी, यहाँ के इंसान को, जो यहाँ रहता है, यहाँ की बात करता है, उसको चुनेगी। तो इन्होंने अपने सारे विज़न हमारे सामने रखे। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।